हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी और आज हम बात करने वाले हैं 2018 में आई एक अमेरिकन फैंटेसी हॉरर फिल्म गूज़बम्प्स 2 की, जिसे डायरेक्ट किया था एरी सैंडल ने। एंड इस मूवी को IMDb रेटिंग मिली है 5.6 आउट ऑफ 10। तो मूवी की स्टार्टिंग में वार्डन क्लिफ सिटी को दिखाया जाता है, जिसे द होम ऑफ टेस्ला टावर भी कहा गया है। इस टावर को एक फेमस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने बनाया था, लेकिन उनका ये आविष्कार पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाया। वार्डन क्लिफ सिटी को सजाया गया था क्योंकि कुछ दिन बाद वहाँ हेलोइन आने वाला था। उसके बाद शहर में रहने वाली एक सारा नाम की लड़की को दिखाया गया है। सारा फियर के बारे में ऐसे लिखकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या लिखे। तभी खिड़की पर एक लड़का हेलोइन का मास्क पहनकर उसे डराता है। उसका नाम टायलर था। वो सारा के लिए ड्रिंक और चिप्स लाया था। तभी अचानक वहाँ सारा की मॉम कैथी एंड उसका भाई सोनी आ जाते हैं और सारा को अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखकर कैथी उसे डांटती है और टायलर वहाँ से चला जाता है। सारा कहती है कि वो ऐसे लिख रही थी और टायलर उसकी हेल्प कर रहा था। फिर अगले दिन सोनी घर पर अपने साइंस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है, जो निकोला टेस्ला के वार्डन क्लिफ टावर का एक मिनी वर्जन है। लेकिन तभी वहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाता है एंड उसकी मॉम उसे डांटने लगती है। और तभी दरवाजे पर सोनी का फ्रेंड सैम आता है। उसकी फैमिली कुछ दिनों के लिए बाहर गई है, तो इसलिए वो यहाँ रुकने आया है। अब कैथी सबको स्कूल छोड़ने के लिए घर से निकलती है। तभी वहाँ उनका नेबर चैंग सबको हेलो बोलते हैं। चैंग हेलोइन के लिए ज्यादा एक्साइटेड था और उसने अपने घर को पहले से ही सजा कर रखा हुआ था। उसके बाद वो एक शॉपिंग मॉल जाते हैं, जहाँ कैथी सारा से कहती है कि उसे हेलोइन की वजह से कुछ दिन नाइट शिफ्ट करनी होगी, इसलिए उसे अपने भाई का ख्याल रखना होगा, नहीं तो वो अपने अजीब एक्सपेरिमेंट से पूरे घर की बत्ती गुल कर देगा। सारा मानना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वो अपनी मॉम की बात मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ सैम स्टोर की एक जगह पेपर लगा रहा था, रद्दी कबाड़ वगैरह साफ करने के लिए उनसे कॉन्टेक्ट किया जाए। फिर वो लोग शॉपिंग करके स्टोर मैनेजर वॉल्टर से मिलते हैं एंड वॉल्टर और कैथी एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब सारा लाइब्रेरी में बैठी थी, तभी वहाँ टायलर आता है और उसे क्लब चलने के लिए कहता है, पर सारा अपने भाई का ख्याल रखने की वजह से उसे मना कर देती है। टायलर कहता है कि हेलोइन सिर्फ साल में एक बार आता है, तो तुम्हें उसे मिस नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सोनी एंड सैम घर पर पंपकिन काट रहे होते हैं। तभी सैम को एक कॉल आता है, जिसमें उसे बेकार सामान एक जगह से निकालना था और उसे वहां का एड्रेस दे दिया गया है। सैम सोनी से कहता है कि हम उस घर से रद्दी सामान निकाल कर उसे बेच के उससे पैसे कमाएंगे। फिर वो लोग उस घर पहुंचते हैं, जो बहुत टाइम से बंद पड़ा हुआ था। जब वो अंदर जाते हैं, तो उन्हें एक बिल्ली का स्टैचू मिलता है, जिसे देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं। और बिल्ली का स्टैचू हटाने पर उन्हें वहाँ एक सीक्रेट बटन मिलता है, जिससे वहाँ एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है। वहाँ उन्हें एक बॉक्स मिलता है, जिसे खोलने पर उन दोनों को एक पुरानी किताब वहाँ मिलती है। उस किताब में लॉक लगा हुआ था और उसकी चाबी भी वहीं उसके बगल में रखी थी। सोनी जैसे ही चाबी से बुक खोलता है, तभी सडनली उस बॉक्स में एक डमी डॉल आ जाता है, जिस पर एक लेटर लिखा था कि मेरा नाम स्लैपी है, तुम्हारा नाम क्या है। उसके दूसरी तरफ भी कुछ लिखा हुआ था। दरअसल वो एक मंत्र था, जिसे सोनी पढ़ लेता है। उसके बाद उन सब सामान को लेकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ टॉमी नाम का एक लड़का अपने फ्रेंड्स के साथ आता है और उन्हें परेशान करने लगता है, और वो डॉल एंड बुक छीन लेता है। उसी वक्त स्लैपी अपने मैजिक से टॉमी की पैंट उतार देता है। फिर सैम एंड सोनी स्लैपी को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और टॉमी एंड उसके फ्रेंड भी उसके पीछे आ रहे थे, लेकिन स्लैपी फिर उन्हें नीचे गिरा देता है। फिर वो लोग स्लैपी को घर ले आते हैं। रात के वक्त सारा टायलर और उसके दोस्तों की पिक्चर्स देख रही होती है और सोनी से कहती है कि मैं काम से बाहर जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। फिर जब सारा क्लब आ जाती है और वहाँ देखती है कि टायलर किसी और लड़की से फ्लर्ट कर रहा था, ये देखकर सारा बहुत अपसेट हो जाती है और घर वापस आ जाती है। घर पर सोनी अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तभी फिर से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और स्लैपी अचानक से बोल पड़ता है कि वाह क्या प्रोजेक्ट बनाया है तुमने। सोनी एंड सैम ये सुनकर डर जाते हैं और स्लैपी कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुमने मंत्र पढ़कर मुझे जिंदा किया है, तो मैं तुम्हारी हर हेल्प करूंगा। फिर वो अपने मैजिक से सैम एंड सोनी का होमवर्क कर देता है, जिससे वो दोनों उससे खुश हो जाते हैं। स्लैपी उन्हें कहता है कि मेरा ये सीक्रेट किसी को मत बताना।
फिर रात में सबके सोने के बाद स्लैपी सोनी के प्रोजेक्ट को मॉडिफाई कर देता है और सारा के बैग में छुप जाता है। फिर कॉलेज में सारा जब अपना बैग खोलती है तो उसमें से स्लैपी निकलता है। उसके बाद सारा उसे लॉकर में रख देती है और तभी वहाँ टायलर आता है और सारा से कहता है कि कल रात क्लब में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। फिर सारा उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे पता था कि वो किसी और लड़की के साथ था। एंड स्लैपी भी वहाँ ये सारी बातें सुन रहा था। थोड़ी देर बाद टायलर फंक्शन की तैयारी कर रहा था, तभी वहाँ स्लैपी आ जाता है और टायलर को सीढ़ी से नीचे गिरा देता है। टायलर को काफी चोट लग जाती है तो उसे एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। एंड टायलर सबसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि उसे एक बोलने वाले पपेट ने नीचे गिराया है। ये सुनकर सारा तुरंत लॉकर देखती है और स्लैपी वहाँ से गायब था। वहीं सोनी भी अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए लाया था और उसे टेस्ट करने पर उसमें काफी ज्यादा एनर्जी बनने लगती है जिससे वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और सारा सामान टूट जाता है और आग लग जाती है। वहाँ फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया जाता है और तभी सारा वहाँ से सोनी एंड सैम को ले जाती है और रास्ते में सोनी से कहती है कि वो डॉल मेरे बैग में क्यों रखा। तब सोनी कहता है कि वो डॉल खुद तुम्हारे बैग में आया होगा क्योंकि उसमें मैजिकल पावर्स हैं। सारा ये सब सुनकर बहुत शॉक्ड होती है। फिर जब वो घर पहुंचते हैं जहां उनकी मॉम कैथी उस डॉल के साथ थी, वो कहती है कि ये डॉल तो उसे बहुत ज्यादा पसंद आई है। तभी सोनी के स्कूल से कॉल आता है और कैथी ये सब सुनकर सोनी को बहुत डांटती है। तब सोनी कहता है कि ये सब इस पपेट डॉल ने किया है। तब कैथी कहती है कि झूठ बोलना बंद करो और आज रात कोई भी हेलोइन में नहीं जाएगा। ये कहकर वो जॉब पर चली जाती है। उसके बाद स्लैपी सारा से कहता है कि तुम लोग अब मुझे गुस्सा दिला रहे हो, मैं बस लोगों के साथ रहना चाहता हूँ एक अच्छी फैमिली की तरह। लेकिन सारा अब उसकी एक बात भी नहीं सुनना चाहती थी, इसीलिए वो एक स्टिक से स्लैपी पर वार करती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर वो लोग स्लैपी को एक बैग में डालकर तालाब में फेंक देते हैं। वो जब वापस लौट रहे थे तो अचानक से स्लैपी उनकी कार के ऊपर आकर गिरता है और गुस्से में कार का कांच तोड़ने लगता है। तभी सारा ब्रेक लगाती है और स्लैपी दूर जाकर गिरता है। अब रात में सभी हेलोवीन की तैयारी कर रहे थे, तभी स्लैपी वाल्टर के शॉपिंग मॉल में आकर वहाँ सभी कॉस्ट्यूम एंड डेकोरेशन में जान डाल देता है जिससे वो सभी जिंदा हो जाते हैं और स्लैपी वाल्टर को भी एक मॉन्स्टर बना देता है। एंड स्लैपी के कहने से सभी बाहर जाकर शहर में तबाही मचाने लगते हैं। उसके बाद सारा, सैम एंड सोनी स्लैपी के बारे में नेट पर सर्च कर रहे थे, जहां उन्हें पता चलता है कि स्लैपी आरएल स्टाइन की बुक का एक कैरेक्टर था जिसने सारे शहर में तबाही मचाई थी। तब सोनी सारा से कहता है कि हमें स्लैपी के साथ एक किताब भी मिली थी लेकिन टॉमी ने हमसे वो छीन ली थी। सारा को वहाँ पर आरएल स्टाइन का कॉन्टेक्ट नंबर भी मिलता है तो वो उन्हें कॉल करके डॉल की सच्चाई बताती है। और अब हम यहाँ पर स्टाइन को देखते हैं। वो अपना टाइपराइटर लेकर वॉर्डन क्लिफ शहर के लिए तुरंत निकल जाते हैं। फिर वो तीनों टॉमी से किताब लेने जाते हैं। टॉमी कहता है कि वो किताब मेरे घर पर है। वो बुक लाता इससे पहले वहाँ हेलोवीन की चुड़ैल अपनी झाड़ू पर आती है और टॉमी एंड उसके फ्रेंड को वहाँ से उठा कर ले जाती है। सारा समझ गई थी कि ये सब कुछ स्लैपी ही कर रहा है। फिर सैम और सोनी खिड़की से टॉमी के घर में घुसते हैं। स्लैपी वाल्टर के साथ वॉर्डन क्लिफ के टेस्ला टावर में जान डाल देता है जिससे हेलोवीन की सारी चीजें जिंदा हो जाती हैं और पूरे शहर में सब मिलकर तबाही मचाने लगते हैं। दूसरी तरफ सैम एंड सोनी को किताब मिल गई थी। तभी वहाँ कुछ गम्मी बियर्स आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। तभी सोनी के हाथ से बुक गिरकर ओपन हो जाती है और वो सभी बुक में अंदर चले जाते हैं। अब उन्हें पता चल चुका था कि स्लैपी को वापस अंदर कैसे भेजा जाएगा। उसके बाद वो सारे मॉन्स्टर शहर में तबाही मचा रहे थे एंड एक और बड़े मॉन्स्टर स्पर्डा ने कैथी को जाल में फंसा रखा था और कैथी को लेकर टेस्ला टावर की तरफ जा रहा था। दूसरी तरफ एक उड़ता हुआ मॉन्स्टर सारा के हाथों से किताब लेकर टावर की ओर जाता है। अब वो तीनों भी टावर तक जाने के लिए अपने पड़ोसी मिस्टर चैन से हेल्प मांगते हैं ताकि वो तीनों कॉस्ट्यूम और मेकअप वगैरह से यूज करके मॉन्स्टर जैसे दिखने लगे।
अब मॉन्स्टर जैसे लगने के बाद वो तीनों वहाँ से निकलते हैं और सारा वहाँ से एक नॉर्मल किताब भी ले लेती है। उसके बाद वो लोग टेस्ला टावर पहुँचते हैं। दूसरी तरफ स्टाइन भी वॉर्डनक्लिफ शहर पहुँचकर देखते हैं कि स्लैपी ने वहाँ पर हर तरफ तबाही मचा रखी है। फिर स्टाइन की नज़र टेस्ला टावर पर पड़ती है और वो टावर के लिए निकल जाते हैं। फिर सारा और सोनी को अपनी मॉम वहाँ मिल जाती है, लेकिन स्लैपी ने कैथी को भी अपनी तरह एक पपेट डॉल बना दिया था। उसके बाद स्लैपी वॉल्टर से बुक लेकर उसे जलाने लगता है एंड सारा सोनी को कुछ भी करके रिएक्टर ओवरलोड करने के लिए कहती है। फिर सारा ऊपर चढ़कर स्लैपी से बुक छीन लेती है, लेकिन स्लैपी ने बुक को मैजिक से लॉक किया हुआ था तो वो बुक खोल ही नहीं पाती। फिर सारा कहती है कि वो बुक स्लैपी को दे देगी, लेकिन उसके बदले में स्लैपी को उसकी मॉम कैथी को ठीक करना होगा। ये सुनकर स्लैपी मान जाता है तो सारा चालाकी से मिस्टर चैंग के घर से लाई हुई बुक उसे दे देती है। जैसे ही वो बुक उठाता है तो सारा उसे एक किक मारती है, जिससे स्लैपी जाकर टेस्ला पावर के सेंटर पे चिपक जाता है। फिर सोनी वहाँ रिएक्टर ओवरलोड कर देता है, जिससे स्लैपी को शॉर्ट सर्किट की वजह से बिजली के झटके लगने लगते हैं और वो टावर से दूर जाकर गिरता है। फिर सारा बुक ओपन करती है और वहाँ टावर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर के असर से आसमान में एक ब्लैक होल जैसा लाइटिंग सर्कल बन जाता है, जिससे सारे मॉन्स्टर बुक में वापस जाने लगते हैं। उसके बाद वो सभी लोग आपस में मिलकर खुश हो रहे होते हैं कि तभी वहाँ स्टाइन आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि कैसे उन बच्चों ने सारे मॉन्स्टर को अकेले ही वापस बुक में भेजा है। फिर सारा वो बुक स्टाइन को वापस लौटा देती है और उनसे पूछती है कि एक अच्छा राइटर कैसे बना जा सकता है। स्टाइन कहते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपके दिल को जो अच्छा लगे वो आप उसमें लिखो, और ये कहकर स्टाइन वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सारा अपना एसी कंप्लीट कर लेती है और सबमिट करती है, जिससे कुछ दिनों बाद उसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मेल आता है कि उसे एडमिशन मिल गया है। उसके बाद सारा और उसकी फैमिली बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ सोनी को भी उसके टेस्ला टावर प्रोजेक्ट के लिए अवार्ड मिलता है एंड कैथी और वॉल्टर भी डेट पर जाते हैं। एट द लास्ट हम स्टाइन को एक और किताब लिखते हुए देखते हैं और वो उसे अपने बुक कलेक्शन में रख देते हैं। तभी वहाँ स्लैपी आ जाता है और कहता है कि आप हर कहानी के अंत में मुझे बचा लेते हैं, और कहता है कि वो भी एक किताब लिख रहा है जिसका मेन कैरेक्टर स्टाइन है। और इतना कहकर स्लैपी बुक ओपन करता है और स्टाइन उसमें खींचे चले जाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइज, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। Watch. I know why they ain't know me, so I switch plot. Now I'm running out of fuel, so fuck a pit stop. Hold the wrist, I had to get the bag. Ice on my wrist.